और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल कटली सांबा है और मेरे को सिखाने वाले राहुल देव सिंह पठानिया है और मैं क्रिकेट खेलती हूँ। कौन सी टीम की तरफ से आप खेलने गए थे, कहाँ पे खेलने गए थे, क्या कुछ वहाँ पे अनुभव रहा आपका और कितने मैचेस हुए, कितने विकेट्स लिए आप, क्या कुछ गेम खेलते हो, कैसा रहा बताएं। मैं जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से गई थी, हमारी पूरी टीम गई थी और हमने 2 मैच जीते और 3 हारे हैं। पर मेरे को सबसे पहले हमारा मैच हुआ था अरुणाचल प्रदेश, उनके साथ हमारा मैच हुआ था और मेरे को 5 विकेट मिली थी और मैं जीत गई थी। हमारी पूरी टीम जीत गई थी उनके साथ और हमें हमारे जो टीचर्स हैं, जो मतलब कि जो बच्चे थे, उन्होंने बहुत गाइड किया मेरे को कि तू कर सकती है और मैंने करके दिखाया। कितने मैच हुए थे पूरे, कितने विकेट लिए? 5 मैच हुए थे और सबसे पहले मैच में मैंने 5 विकेट ली थी, उसके बाद सारे मैच को टोटल मिला के मेरे को 14 विकेट मिली है। तो बहुत खुश हूँ मैं, खुशी मिली है अभी मेरा परिवार जरा सड़ा इंदा गुरु का आदर बड़े खुशी का मना है बच्चे ही। चलो अं सारे बच्चे इे आखना चाहता कि अपने माँ प्यो कहने पर चलिए कुछ अगे बनना चाहना चाहते। बहुत खुशी की गल है सब। इसके लिए मैंने जो मेरा प्लान था वो खो खो का था, तो खो खो में मैं पिछले कुछ 6 महीने से इसके ऊपर काम किया जा रहा था। अचानक खो खो की प्रैक्टिस के बाद ये रेस्ट कर रही थी, रेस्ट पीरियड में एक बच्चा जो क्रिकेट सीखता था मेरे पास, 2-3 बच्चे जो उनका एक बॉल इसकी तरफ चला गया, वो इसने थ्रो किया, थ्रो बहुत अच्छा था, एक फ्लैट थ्रो था जो कि क्रिकेटर्स की माना जाता है कि उनकी आर्म से ऐसे थ्रो आते हैं। तो बस उस थ्रो के बाद मैंने इसको कहा बच्चे तुम बॉलिंग कर सकती हो, शायद तुम्हारा आर्म बहुत अच्छा है, जनरली ऐसी थ्रो लड़कियां नहीं कर पाती, लड़के नहीं कर पाते, तुम तो लड़की हो। तो इसका एक नेचुरल इन्वायरमेंट भी था, ये एक एग्रीकल्चरल फैमिली से है, खेत हैं, काम करना आर्म काफ़ी स्ट्रांग थी। तो उसके बाद मैंने इसको शुरुआत दिखाया कैसे एक्शन होता है एक बॉलर का, 3-4 दिन के बाद इसने कंप्लीट एक्शन करने के बाद बॉलिंग फेंकना शुरू कर दी थी। लगभग 6 महीने के बाद इसने पहला अंडर-19 खेला और इस साल इसने अंडर-19 खेला। बहुत टैलेंट है इस बच्चे में, प्लेटफॉर्म की कमी है, गाइडेंस की कमी थी। इस गांव के अंदर बहुत ऐसे बच्चे हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते, 10 साल के बच्चे ऐसे हैं, आप ऐसा क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे आपको कि आपको जम्मू में अकेडमी के अंदर ऐसे बच्चे नहीं दिखेंगे।